वालेकुम आज हमारा ट्वेंटी लेक्चर है सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का पिछले दो लेक्चर्स में हमने फाइल हैंडलिंग के ऊपर बात की सिक्वेंशल फ़ाइल्स और फिर रैंडम एक्सेस फाइल्स और उनके साथ जो हमारे पास फ़ंक्शंस अवेलेबल हैं डेटा लिखने और पढ़ने के लिए और कुछ उनके ऊपर हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की भी बात की कि जी फ़ाइल को बढ़ाना घटाना कैसे पड़ता है और जस्ट रिकैप um, आई इन आई इंसिस्टेड कि आप उसके लॉजिक के ऊपर भी सोचें कि जी अगर फाइल को उल्टे तरीके से पढ़ना है या दरमियान में जाना है कैसा है सो डोंट थिंक ऑफ द डोंट थिंक ऑफ द लैंग्वेज लोन यू हैव टू थिंक ऑफ द द लॉजिक बिहाइंड इट आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर्स और यूनियस के बारे में है दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ़ द सी लैंग्वेज या द सी प्लस प्लस लैंग्वेज दिरी सिम्पल सिमिलर राधा और इसके अंदर होगा क्या कि जी स्ट्रक्चर से आगे हम क्लासेस की तरफ निकल जाएंगे एंड यू विल फाइंड दैट दे आर वेरी 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 सिमिलर स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं देखिए हम अभी तक बात करते हैं जैसे हम स्टूडेंट डेटा की बात करते हैं हम कहते हैं कि जी स्टूडेंट का नाम है पता है डेट ऑफ बर्थ है मे बी जी है मे बी कोर्सेज जो ले रहा है एंड सो फोर्थ देर इज़ अ होल रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल एंटिटी अ स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ अ कार एंड यू कैन थिंक ऑफ इट्स एट्रीब्यूट के जी उसका मॉडल है उसका मैनुफेक्चर का नाम है उसकी कितनी सीटें हैं कितने पहिए हैं वो फुली चार ही होंगे आपकी गाड़ी में एंड सो एंड सो फोर्थ बट देर इज़ ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ आर डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कि किसी तरीके से डेटा को ग्रुप करके ना एज अ ग्रुप हैंडल किया जाए देट बेसिकली इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में हम मैं अभी आपको उसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ हम एक किस्म की नई डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यानी अभी तक आपको याद होगा हमारे पास इंट फ्लोट डबल चार दैट वॉज अबाउट एट इसी के साथ सारे हम काम करते रहे हैं और एक आप देख लें कि एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर चुके हैं जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते थे तो दे वॉज नो डेटा टाइप कॉल्ड स्ट्रिंग हमने चार की एरे बना के उसको स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल किया था अगर हम नंबर्स की बात करें तो आई कैन गिव यू सिमिलर एग्ज़ाम्पल सी या सी प्लस प्लस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैंडल करने की कोई सलाहियत नहीं है यानी डायरेक्टली देर इज़ नो डेटा टाइप विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एक लैंग्वेज है फोट्रैन शायद आपको उसका पता हो फार्मूला ट्रांसलेशन वो लिखी ही गई थी साइंटिफिक कम्पिटिशन के लिए तो उसमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मौजूद है तो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्स तो x इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप कॉम्प्लेक्स और इसका एक रियल पार्ट भी होगा इमेजनरी पार्ट भी होगा यानी आप एक टू डायमेंशनल डेटा जो है x और y जो उसके मतलब रियल और इमेजनरी उसके हिस्से हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ फोर्ट्रेंड लैंग्वेज में सी और सी प्लस प्लस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है लेकिन अगर हम सिंपल अरिथमेटिक भी करना चाहें एक मैं आपको कह दूं कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हुए आपको पता है कि जी उसका आंसर कॉम्प्लेक्स आ सकता है यानी अगर आपको कहीं पे भी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन लेनी पड़ गई तो वो ले तो हम सकते नहीं हैं तो हम आर्टिफिशियली एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं आयोटा का कॉन्सेप्ट और कहते हैं कि जी इस नंबर के दो हिस्से हैं दर इज़ अ रियल पार्ट एंड एन इमेजनरी पार्ट और दोनों मिल के जो हैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है सो so सी और सी प्लस प्लस के अंदर हम इस किस्म की सिचुएशन भी जो है वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू हैंडल करते हैं सो स्ट्रक्चर इज़ नॉट जस्ट अ ग्रूपिंग ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड लाइक स्टूडेंट्स इन कार्स इन थिंग्स लाइक दैट इट ऑल्सो हैज़ मैथमेटिकल यूज लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर डेफिनेशन स्ट्रक्चर जो है उसको सिंथेटिकली डिफाइन हम इस तरह से करते हैं पहले लिखते हैं की वर्ड स्ट्रकट एस टी आर यू सी टी देखें अन अदर की वर्ड सो स्ट्रक्ट इज़ समथिंग यू कॉन्ट यूज़ एज अ वेरिएबल नेम स्ट्रकट के बाद हम स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं ठीक है ना लेट्स से स्टूडेंट उसके बाद ओपनिंग ब्रेस आता है कर्ली ब्रैकेट्स उसके बाद स्ट्रक्चर का अंदर जो वाला हिस्सा जो है विच इज द डेटा दैट इज कॉन्टेंड इन द स्ट्रक्चर वो डिफाइन किया जाता है ये डेटा किस किस्म का हो सकता है एनी एंड ऑल वेरिएबल्स डेट वी हैव बीन यूजिंग दे कैन बी पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर सो फॉर एग्जाम्पल वी कुड है स्टूडेंट स्ट्रक्चर सेंग चार नेम सिक्सटी मीनिंग सिक्सटी कैरेक्टर्स में हम इसका नाम स्टोर करेंगे सेमिकोलन नेक्स्ट लाइन चार एड्रेस वन हंड्रेड सौ कैरेक्टर्स में हम इसका नाम एड्रेस स्टोर कर लेंगे लेट्स से इंट इंट नहीं कहते डबल कर देते हैं आपकी जी जो है वो रियल हो सकती है इट नीड नॉट बी एन इंट सो वी से डबल जी फ्लोट भी कर सकते हैं इज़ नॉट गोइ है जी पी ए इन द थाउजेंड सो ऑन और ये जो डेटा हमने डिफाइन कर दिया इसके बाद क्लोजिंग ब्रेस सेमिकोलन स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया स्ट्रक्चर जब ये डिफाइन हम करते हैं इन अ वे दिस इज नथिंग मोर देन अ न्यू डेटा टाइप दैट वी हैव क्रिएटेड व्हाई इज इट अ न्यू डेटा टाइप जब आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया तो अब आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं स्टूडेंट एस वन एस टू एस थ्री एंड सो फोर्थ जैसे हम इंट एक्स वाई जेड या डबल uh, लिखते थे इसी तरह अब हम इस स्ट्रक्चर का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए न्यू डेटा टाइप इन अ वे यू आर नाउ गेटिंग एन इंट्रोडक्शन टू द पावर ऑफ सी एन सी प्लस प्लस दैट दे आर एक्सटेंसिबल आप अपने तौर पे नई डेटा टाइप आपने क्रिएट कर लिया जिसका पहला हिस्सा कैरेक्टर स्ट्रिंग है दूसरा स्ट्रिंग है तीसरे के अंदर कोई रियल नंबर पड़ा हुआ है एंड सो ऑन इट कैन बी अ बिग स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर्स हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं बिकॉज पॉइंटर इज़ अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल सो वी कैन हैव अ पॉइंटर टू समथिंग इन साइड अ स्ट्रक्चर हाँ स्ट्रक्चर के अंदर बजाते ख़ुद वही स्ट्रक्चर नहीं हो सकता लेकिन कोई और स्ट्रक्चर ज़रूर हो सकता है सो इफ़ यू हैड लेट्स एक हम एड्रेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी स्ट्रीट एड्रेस समथिंग लाइक एक्स वाई जेड मुस्लिम टाउन सिटी एक और कैरेक्टर स्ट्रिंग दे देते हैं सखर रावलपिंडी इस्लामाबाद वॉट और फिर शायद हम कंट्री भी दे दें पाकिस्तान तो इसके तीन हिस्से हो गए एक स्ट्रीट एड्रेस है एक सिटी है एक कंट्री है इसी को उठा के हम स्टूडेंट डेटा टाइप में ले जा सकते हैं कि जी स्टूडेंट के स्ट्रक्चर में अब हम कह देंगे उसका नेम है विच इज़ अ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड इट हैज़ एन एड्रेस विच इज़ ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप और डिक्लेयर बिल्कुल उस तरह करेंगे जैसे मैंने बताया कि जी प्रोग्राम में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एस वन एस टू एस थ्री इसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर हम कह देंगे एड्रेस ए डी डी ए डी डी विल बी द नेम ऑफ द वेरिएबल यूज़ टू रेफर टू दिस एड्रेस एंड सो ऑन सो बीच में पॉइंटर्स भी आ सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स हो सकता है बिल्कुल हो सकता है देखें जहाँ पे भी हम बात करते हैं एरेज की सिंपल वेरिएबल्स की हम कहते हैं कि जी अ पॉइंटर टू एन इंटिजा वॉट इट मीन इज इट्स अ वेरिएबल दैट होल्ड द मेमरी एड्रेस जहाँ पे वो इंटिजा स्टोर्ड है द स्टार्टिंग एड्रेस जब हम एरे की बात करते हैं हम कहते हैं एरे का नाम बजात खुद पॉइंटर है टू द बिगनिंग ऑफ द एरे फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको वो पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस इसके नाम में पड़ा हुआ है हम कहते हैं पॉइंटर टू एन एरे ठीक है उसके अंदर वो एड्रेस आ जाता है सो so, Can we have a pointer to a structure? Absolutely we can. And it points to the starting point, structure ka data store ki hai. So pointers to structures are quite fine. What else can we do? Can we do assignments with structures and things like that? Well we can, but let's take a look at this detailed definition of the structure. Ki declaration or variables declare k se एफिलोक एट द स्ट्रक्चर डेफिनेशन इसके अंदर देखें हमने एक एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है हम दिखा रहे हैं कि जी आपके पास वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए भी दो तरीके हैं एक तरीका तो यह है कि जी स्ट्रक्चर आप अलग से डिफ़ाइन कर लें और फिर स्ट्रक्चर का नाम जो है वो इस्तेमाल करके आप अपने लिए स्ट्रक्चर वेरीबल्स डिक्लेयर कर लें दूसरा तरीक़ा जो है वो ये है कि स्ट्रक्चर का नाम उसकी डेफिनेशन दे लास्ट वाला जो ब्रेस है उसके बाद आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दे दें ऑफ नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स दैट विल बी ऑफ दैट स्ट्रक्चर टाइप सो यू हैल्टरनेटिव एज ऑलवेज यू कैन हैव वो हमने एक किया था कार्ड का शफलिंग प्रोग्राम तो उसके अंदर भी देखें एक कार्ड जो है एक ताश का पत्ता जो है उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे एक तो उसका एट्रीब्यूट हो जाता है उसका सूट यानी ये स्पेड्स um, है या क्लब्स है या हार्ट है या डायमंडस है और एक उसकी आ जाती है वैल्यू विच इज़ ये एस है या ड्यूस है या थ्री है या फोर है ऑल द वे अप टू किंग सो माई वाई नॉट क्रिएट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्ड जिसके अंदर देर इज़ अ के कैरेक्टर पॉइंटर ठीक है टू द सूट एंड अरेक्टर पॉइंटर टू द वैल्यू ताकि अंग्रेजी लिख सकें हम बीच में सो अगेन वी कैन मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर इन वन गो एज अ कार्ड ठीक है so you can just go and say card 1 card 2 card 3 and you can define a whole set you can have simple variables or uh, variables of type structure and you can have pointers to structures we can also have arrays of structures so for example in your case if, if we are talking of student data we can have an array of वन हंड्रेड स्टूडेंट्स वे स्टूडेंट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ टाइप स्टूडेंट ठीक है सो द डेक्लोरेशन जो है दैट लुक्स लाइक स्टूडेंट एस स्क्र ब्रैकेट्स वन हंड्रेड सिंपल बिल्कुल जैसे हमारी नॉर्मल डेटा टाइप्स की हम एरेज डिक्लेयर करते थे उसी तरीके से एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो सकती है इफ़ आई से स्टूडेंट स्टार एस पी टी आर दैट मीन्स एस पी टी आर इज़ अ पॉइंटर To a data type of structure student, and we will see how we access the, the data types a little later. So, we can declare simple, well, I'm, I do not want to use the num variable, but let us use the extended terminology. We have got a new variable, okay, which is defined by the structure. So, we can declare simple variables of this structure type, we can declare pointers to this structure type, and we can have arrays of this structure type. so quite comprehensive in a way you have made your own new data type. of course there are certain limitations. you can't say student 1 plus student 2. जो plus operator है उसको नहीं पता कि जी दो structures Ko kaise handle karte हैं. यहाँ पे C की limitations नजर आने लग पड़ती हैं. इन limitations को भी शायद हम आगे चलके दूर कर सकें. For the moment you can't do that. On the other hand समथिंग वेरी यूजफुल असाइनमेंट वर्कस यू कैन से अगर आपके पास स्टूडेंट एस वन और एस टू हैं तो यू कैन से एस वन इक्वल्स एस टू वो असाइनमेंट काम कर जाती है क्यों काम करती है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर तो आइडेंटिकल है सो नेम टू नेम कापी हो जाएगा एड्रेस टू एड्रेस कापी हो जाएगा एंड वॉट एवर एल्स इज़ इन द स्ट्रक्चर वो कापी हो जाएगा सो असाइनमेंट वर्कस बाकी चीज़ें नहीं काम करती यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करता चलूँ अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी आपको पता नहीं है कि स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज़ कैसे डालते हैं वो कुछ आ जाएंगी थोड़ी देर बाद लेकिन अगर आप सी आउट के साथ स्ट्रक्चर को प्रिंट करना चाहें तो सी आउट विल प्रॉब्ली वर्क ये बहुत ही इंटेलिजेंट फंक्शन है इन इन अ वे इट्स टू इंटेलिजेंट फॉर इट्स ओन गुड ये हमें काफ़ी तंग करता है कई दफ़ा कंट्रोल नहीं होता लेकिन उसने अपने तौर पे इंटरप्रेट करके इसका आउटपुट कर देना है बट फॉर द मोमेंट लेट्स एट कि जी स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया इसमें वैल्यूज़ कैसे डालें लेट्स टेक अ लुक एट दिस स्पेसिफिक एग्जांपल हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्टूडेंट का उसकी डेफिनेशन है चार नेम सिक्सटी चार कोर्स वन ट्वेंटी एट विच मीन दिज आर कैरेक्टर अरेज वी से इंट एज स्टूडेंट की एज होगी वी से इंट ययर जहाँ पर हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट ने हमारे कोर्स को किस साल में मतलब किस साल में वो शामिल हुआ इस कोर्स के अंदर सो वी डिफाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टूडेंट अब इसको इसके अंदर डेटा वैल्यूज डालने के लिए एक तो तरीका वो है कि जी डेक्लेशन के वक्त हम इसके अंदर असाइनमेंट कर दें सो इन साइड अ प्रोग्राम वी कैन से स्टूडेंट एस वन इक्वल्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर डबल कोर्स के अंदर उसका नाम दिया कॉमा डबल कोर्स के अंदर उसका कोर्स नेम दे दिया क्योंकि हमने ये कैरेक्टर स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं फिर कॉमा डाला उसकी एज दे दी लेट्स से 19, फिर कॉमा डाला फिर ईयर डाल दिया वट एवर यर लेट्स से 2002, जिसमें वो कोर्स में शामिल हुआ वॉट दिस लाइन डज इज के अ स्टूडेंट डेटा टाइप एस वन इज और दिएबल एस वन ऑफ टाइप स्टूडेंट इज क्रिएटेड एंड इट्स डेटा मेम्बर्स इनिशलाइज्ड सो so, जो अंदर हिस्से हैं स्ट्रक्चर को उसको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं अभी तक देखें हमने एक्सप्लिसिटली ख़ुद उनको हाथ नहीं लगाया हमने इनिशलाइज़ कर दिया और मैंने कह दिया कि वो जादू की तरह अपनी अपनी जगह पर चले गए हैं स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को मैंने प्लेट करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल इस तरह से है कि जी अगर हम नेम को मैनेपलेट करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे एस वन डॉट नेम दिस इज़ द वे ऑफ़ रेफरिंग टू द डेटा मेम्बर ऑफ अ स्ट्रक्चर इसी तरीके से एस वन डॉट कोर्स मीन्स कोर्स वाला डेटा मेम्बर है स्ट्रक्चर का एस वन डॉट एज एस वन डॉट ईयर अब एज और ईयर इंटर वेरिएबल्स हैं सो यू कैन एक्चुअली यूज दैम सिम्पली बाई डूइंग असाइनमेंट सो यू कैन से एस वन डॉट एज इक्वल्स ट्वेंटी वो एस वन जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर एज वेरिएबल जो था उसके अंदर वैल्यू ट्वेंटी लिख देगा Can we, de can we say something like s1.name equals uh, Abbas Ali? Can we do something like that? But can we have a character string variable, let us say char name 50, and say somewhere in our program name equals whatever? Kar sakte अगर जो कह रहे हैं कर सकते हैं या जो भी कह रहे हैं आप में से कि ये नहीं हो सकता अपने लिए प्रोग्राम लिखें और वेरीफाई करें सी वॉट हैपन्स कैन यू डू दिस जस्ट टू गिव यू अंट अगर हम ये कर सकते तो मे बी वी डेंट नीड द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो हमने पिछले एक आध लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था कि वी कैन कॉपी फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू दी अदर यू नीड स्ट्रिंग कॉपी टू डू दैट यू कान सिंपली असाइन ऑन द अदर हैंड अगर ये जो है ये चार पॉइंटर नेम होता इंस्टेड ऑफ़ एन एरे तो फिर हम शायद कुछ कर सकते वी कुड हैव कोड हैम इक्वल्स कैरेक्टर स्ट्रिंग और क्योंकि वो कैरेक्टर स्ट्रिंग मेमोरी में कहीं बन गई है उसका स्टार्टिंग एड्रेस नेम जो पॉइंटर है टू अ कैरेक्टर उसके अंदर आ गया है सो यू हैव टू रियलाइज़ पॉइंटर्स एंड एरेज बिहेव अ लिटिल डिफरेंटली वन वी ट्राइंग टू असाइन बैक टू आर एग्ज़ाम्पल सो एस वन डॉट एज इक्ल्स ट्वेंटी इज़ गुड अनफ फॉर असाइनमेंट इसी तरीके से आउटपुट करनी है आपने स्ट्रक्चर की आउटपुट देखनी है अलग-अलग हिस्सों की तो यू कुछ से सी आउट लेस दैन लेस दैन एस वन डॉट नेम नेम प्रिंट हो जाएगा सी आउट लेस देन लेस देन एस वन डॉट कोर्स कोर्स का नाम आ जाएगा सी आउट लेस देन लेस दैन एस वन डॉट एज एंड एस वन डॉट ईर इस तरह से आप आउटपुट देख सकते हैं नाइस थिंग इज के एस वन बिकम्स वन यूनिट ठीक है इसमें चार हिस्से हैं लेकिन यू कैन मैनिपुलेट इट एज अ यूनिट सो इफ़ यू हैड सेड स्टूडेंट एस वन कॉमा एस टू और एस वन के अंदर ये वैल्यूज असाइन की होती तो यू कुड हैव सेड कड हैन वो सारी वैल्यूज उधर कॉपी हो जाती वॉट हैपन्स वेन वी वॉन्ट टू पास अ स्ट्रक्चर इन टू अ फंक्शन किस तरह से पास होता है स्ट्रक्चर्स आर पास इन टू फंक्शन एज पर द सी एंड सी प्लस प्लस कॉलिंग कन्वेंशन

you pass an address to the structure into the function so now it is called by reference and yes you can take the address of a structure if we can have a pointer to a structure obviously we can take the address of a structure so be aware of this structures strictly implement a call by value structure can under usko It will call by value now notice पहले हम जब एरेज को पास करते थे फंक्शन के अंदर तो एरे का क्योंकि अपना नाम जो है अ पॉइंटर देयर फोर इट बिकेम अ कॉल बाई रेफरेंस यहाँ पे जब एरे जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है तो स्ट्रक्चर होल थिंग इज पास्ड बाई वैल्यू एंड देर फोर इट इज़ लाइक निगेटिंग द ओरिजिनल बैड इफेक्ट ऑफ एरे भेजी है तो एरे के अंदर चेंज किया तो कॉलिंग प्रोग्राम में भी चेंज हो गया सो इन अ वे इज अ दिटल बिट ऑफ अ सेफ्टी फैक्टर डाउन साइड इसकी क्या है ऑब्वियसली वे दर इज एन एडवांटेज दे इज अ डिसएडवांटेज डाउन साइड ये है कि जी अगर एरे बड़ी है तो कॉल बाय वैल्यू में वो पूरी की पूरी चीज़ कॉपी होने लग पड़ती है स्टैक के ऊपर स्टैक यू कैन रन आउट ऑफ स्पेस ऑन द स्टैक ठीक है सो बी अवेयर ऑफ दिस वेन यूर डूइंग और पासिंग स्ट्रक्चर फंक्शंस एज यू नो कैन हैव अ रिटर्न डेटा टाइप यानी दे कैन रिटर्न समथिंग सो हम फंक्शन आमतौर तौर पर लिखते रहे हैं इंट स्क्वेयर समथिंग ये हमने एक फंक्शन लिखा था जो कि कोई नंबर लेके उसको स्क्वेयर करके उसका वैल्यू रिटर्न करता था और क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न करता था वी कुड यूज़ द फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट्स वी कुड से एक्स इक्वल टू स्क्र टेन और वह टेन का स्क्वेयर लेके उसने वापस किया तो एक्स के अंदर वैल्यू वन हंड्रेड आ गई इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर्स भी रिटर्न कर सकते हैं सो so, Functions can return structures. In other words, the behavior of the structure is exactly like that of an ordinary data type, which is why we have in a way created our own data type. We can have a simple variable of type structure, we can have a pointer to a structure, we can have arrays of structures, and now we found that we can even have functions that return structures. And of course, you can always pass the structure to functions. So, lots of things that you can do over here. What about pointers to structures? Abhave ki ji structure key hai on ko manipulate karnaki manipulate the dot operator is tamalkiya So variable name dot data member name, that is the way we use it. What happens when we have a pointer? Suppose a declare S pointer declare as a pointer to structure student. So we would write student star sptr.

एस पी टी आर डॉट नेम द आंसर इज़ नो यू कैनोट वाई बिकॉज एस को इन अ वे आप ज़रा एक्सपेंड करके देखें तो क्या होगा वहाँ पे लिखा होगा कि दिस इज़ अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर सो इट्स लाइक स्टार एस टू डॉट नेम जब हम स्टार एस टू डॉट नेम लिखते हैं तो डॉट ऑपरेटर जो है वो ज़्यादा जल्दी बाइंड करता है इन अदर वर्ड्स ये प्रेसिडेंस की बारी आ जाती है कि डॉट पहले इवेलुएट होगा और स्टार बाद में होगा सो वट हैपन्स इज द होल थिंग लुक्स लाइक अ पॉइंटर टू समथिंग बट दैट्स नॉट वट वी वॉन्ट वी वॉन्ट टू एक्सेस द डेटा मेम्बर ऑफ अ स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर एक तरीका यह है कि आप पॉइंटर टू स्ट्रक्चर जो है एस पी टी आर इन दिस केस उसको इवेल्यूएट कर लें यानी स्टार लगा के परेंथिस में बंद कर दें ताकि वो पहले इवेल्युएट हो और फिर डॉट करके नेम लिख दें that is correct, but there is an easier way and a shorthand way and the way that is normally used whenever manipulating structures. Mm hai -hmm. dot, dot ki pe hum arrow karte Now keyboard pe aapko arrow right left nazar nahi aayega, well aayega wo cheez aur hai matlab that they do something else, they do cursor manipulation. If we want to write an arrow, we write that with a minus sign and a greater than. So it's a minus greater than symbol. That looks like an arrow. So SPTR ke saath, agar data members ko manipulate karna hai, we say simply SPTR minus arrow name. This is the same as S1 dot name. But S1 was a variable of type student. SPTR is a pointer to a variable of type students. So whenever we use pointers with structures, विद स्ट्रक्चर सॉरी उसके साथ हम ये एरो इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ़ द डॉट ऑपरेटर बाकी सारा काम बिल्कुल उस तरह से हो रहा होता है नाउ अगेन इफ़ यू रिमेंबर हमने एक पॉइंटर का एग्जांपल किया था मच अर्लियर जहाँ हमने हमने एक स्वॉप फंक्शन लिखा था और हमने पॉइंटर्स पास करके स्वॉप कर लिए थे नंबर्स को इसी तरीके से आप यही पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स पास कर सकते हैं और उनको भी आपस में स्वॉप कर सकते हैं अगर स्टूडेंट लिस्ट है उसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं In let's say by GPA or by age or something like that, we can use pointers to students, pass them into a swap function, and get back the manipulated list. So lots of things you can do, but the main thing is the manipulation is very very simple. Other than this one thing, if you pointer ke data member ko refer karein, to arrow istemal karenge, aur jab variable ko istemal data member ke to dot operator istemal karenge. What happens when we are working with arrays? of structures? Well, it's simple enough. Well, let's say we have to declare an array of 100 So we would say, student s, square brackets, 100. So we have declared s to be an array of 100 structures of type student. How do we access the first student? We would say s, square brackets, 0, dot name. सो बी अवेयर ऑफ दिस एस एरे है नेम जो है वो कुछ भी है वो स्ट्रक्चर के अंदर है सो आपका जो एरे जो है इंडेक्स दैट बिलोंग्स टू एस सो द फर्स्ट स्टूडेंट इज़ एस ऑफ जीरो द सेकेंड स्टूडेंट इज़ एस ऑफ वन द थर्ड स्टूडेंट इज़ एस ऑफ टू द लास्ट स्टूडेंट इन दिस एरे इज एस ऑफ नाइंटी नाइन और किसी का आपने नाम इस्तेमाल करना है तो यू वुड से एस ऑफ आई वेर आई इज़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट डॉट नेम एनसो ऑनसो फोर्थ सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द एरे इंडेक्स बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर नेम एंड नॉट टू द डेटा मेम्बर एक आखिरी चीज़ बात करते चलें पिछली दफ़ा हमने बात की थी साइज़ ऑफ ऑपरेटर की साइज़ ऑफ जो है वह स्ट्रक्चर के साथ भी इस्तेमाल होता है अब देखें स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफेटा टाइप्स को हमने इकट्ठा करके उसको एक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया है क्वेश्चन यह है कि जी मेमरी में वो कितनी जगह इस्तेमाल करता है नाव there could be a character array of 20 characters and two integers a double a float a few chars and so on and so forth you can simply call the size of operator and give the name of the structure so you say size of within parentheses s1 and it will tell you how many bytes that structure is occupying in memory so again a way of getting independence from actually adding 4 bytes for this and 8 bytes for that you just call the size of operator this is also useful when you are writing into a file and you are using the write function so you can write the structure using the size of operator very useful so what are the, the legal things we can do with the structure obviously we can define the structure we can declare variables of that type of structure we can declare pointers to that structure we can declare arrays of that structure we can take the size of that structure. We can do simple assignments between two variables of the same structure type. Let us take a look at a comprehensive example using structures. Let us say that we have the student array, which is let us say 10 students. We will say that we will use name, age, GPA, and some other variables. First of all, we would like to get data from the keyboard into this array of students and then do some manipulations with it how do we go about doing that well actually it's fairly straightforward i think it's rather tedious for me to sit here and you know try to explain all of that there is no explanation it's absolutely straightforward we declare the structure so we've declared structure student and the data members we say we declare an array of students so we say student S10, let us take 10 for simplicity. Now we want to enter data into this array of students. We run a simple loop for i equal to 0, i less than 10, increment i, braces, or braces ke under jo hai hum sara data get karte hain. Being polite, we say c out, please enter the student's last name, C in into agarab last name paas data member hai. So we would say something like C in greater than greater than S of I which is the ith student structure dot last name so c n you have ith student structure ke last name ke value assign cardega is it we say c out please enter the student's first name c n greater than greater than is the stream extraction operator s of i dot first name so simply once you understand that a dot operator ke बाद में आपके पास एक सिंपल वेरिएबल ही बचता है ऑफ वो वाले जो है जो कि हमारे पास नॉर्मल डेटा टाइप्स में से हमारे पास मौजूद है सो सी इन सी आउट सब उसके साथ काम करते हैं सो यू कैन जस्ट रन दिस लिटिल लूप एंड इट विल प्रॉम्प्ट यू फॉर अ स्टूडेंट्स लास्ट नेम फर्स्ट नेम एज कोर्स मे बी वट एवर एल्स वी डिफाइंड इन दिस स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेट दैट अरे ऑफ स्टूडेंट्स सो इट्स क्वाइट सिंपल इसी तरीके से अगर आपने स्ट्रक्चर की आउटपुट लेनी हो So, no problem, we would again run the same loop for i equal to 0, i less than 10, increment i. And here we have to say structure name dot member name. So, we s of i dot last name, s of i dot first name, and so on and so forth. The loop simply runs. What if we want to put some of this data, let us say we want to read it from a file into a structure? ये एग्जाम्पल जो है ये आपको एक्चुअली दिखाता है कि जी एक फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर रिटर्न कैसे करता है पहले तो वी विल हैव टू रिव्यू कि जी फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है आपको याद होगा कि जी फंक्शन का प्रोटोटाइप इज शुरू होता है रिटर्न टाइप से सो इफ अ फंक्शन इंटीजर हम पहले इंट लिखते हैं फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं फिर परिस के अंदर आर्गूमेंट्स लिखते हैं कि जी ये फंक्शन को हम क्या पास करेंगे ताकि वो जो भी करना है करके इंट रिटर्न करे हम चाह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई फंक्शन हो जो कि किसी फाइल से डेटा पढ़े और एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर हमें वापस करे तो अगर ये हमें करना है तो पहले तो उसका प्रोटोटाइप देखना है तो प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप विल बी स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग इट्स नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप लेकिन अगर हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है सो नाओ वी कैन यूज़ इट लाइक अ बिल्ट इन डेटा टाइप सो फिस रिटर्न टाइप इज स्टूडेंट आगे फंक्शन का नाम अब फंक्शन जो है अगर फाइल पढ़ के एक स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डाल रहा है तो लेट्स कॉल इट गेट डेटा सो इज है स्टूडेंट गेट डेटा अब आगे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है फॉर द मोमेंट हम कहते हैं एम टी परसिस डाल दें तो उसको पता है कौन सी फ़ाइल से लेना है लेकिन हम एक्चुअली फ़ाइल का हैंड जो कि एफ स्ट्रीम के साथ हमने कोई फाइल ओपन की थी उसका हैंडल भी पास कर सकते थे विच मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट फॉर द मोमेंट लेट्स से इट्स अ सिंपल वन इट्स एज स्टूडेंट गेट डेटा parentheses. That's it. दैट इज द प्रोटोटाइप ऑफ दिस गेट डेटा फंक्शन अब गेट डेटा फंक्शन काम कैसे करेगा लेट्स टेक अ लुक इनसाइड दिस फंक्शन सपोज हमने पहले एक फ़ाइल खोली हुई है उसका हैंडल भी है ये इट हैज़ टू बी ग्लोबल ग्लोबल मीन्स इट हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन अदरवाइज़ हमारा जो गेट डेटा फंक्शन है इसको इसके फाइल का जो हैंडल है स्ट्रीम का नाम जो है वो नहीं पता होगा सो लेट्स से वी हैव इन फाइल हमने डिक्लेयर की हुई है फाइल uh, का जो स्ट्रीम है सो वी विल ओपन दैट विद इन मेन एंड देन गो एंड कॉल स्टूडेंट गेट डेटा सो समवेयर इन द इन द प्रोग्राम When we call it, how are we going to call it? Well, if it is going to return a structure of type student, then we should have an assignment statement. So, in our main program, we have student S1. We would say S1 equals get data. So, abhiham bahar bahar get data, we kuch that structure of type student. Pass kiya. Pehle aaj hum baat kar chuke ki the assignments are allowed so s1 equal to get data means s1 equal to a structure of type student assign ho jata hai s1 ke values aa jati no problem so what happens inside get data well you now know 20 different ways of how to read a file agar file mein uska last name alag line pe hai first name alag line pe hai age alag line pe and so on you could just use uh, the stream extraction operator with the in file you would say in file say parlo or jo ek uh, variable ke under dal do. Okay. So, the normal syntax that we use with the greater than greater than sign. However, remember we want to return a structure of type student. So, inside get data what we do is first of all we declare a local variable let us call it temp student and that will be of type student. So, inside get data the first, time, the first line says student temp student. टेम्प स्टूडेंट को अब हम मैनिपुलेट करते हैं और फाइल से चीज़ें पढ़ के टेम्प स्टूडेंट के लास्ट नेम टेम्प स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम एंड सो ऑन उनको पॉपुलेट कर देते हैं जब ये सारी पॉपुलेशन कम्प्लीट हो गई अब रिटर्न क्या करना है वी हैव टू रिटर्न अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ टाइप स्टूडेंट सो ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द फंक्शन वी जस्ट रिटर्न टेम्प स्टूडेंट दैट्स इट अब देखें एक्चुअल मेमरी में क्या हो रहा है जब आप मेन से गेट डेटा के अंदर गए तो उसने अपने लिए एक लोकल स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया इट्स कॉल्ड टेम्प स्टूडेंट सो वो मेमोरी में कहीं पे बन गया उसने जगह एलोकेट कर ली अब आपने डेटा पढ़ा फाइल से और इस टेम्प्ररी लोकेशन के अंदर डेटा लिखना लिखना शुरू कर दिया जब ये फंक्शन रिटर्न करता है तो वॉट इट डज़ इट इट दिस दिस लिटल टेम्प स्टूडेंट स्ट्रक्चर Onto the stack because the stack is the way the function communicates with the main calling program. Usne is copy or jab function khatam hua to temp student function ka local variable temp student is destroyed. It doesn't exist anymore. So it just came into being while we were inside the function called get data and it disappeared once get data finished. But before it disappeared, get data put the values somewhere else in memory. So the main function would pick up those values. And use the s1 equal to get data line to assign those values to the student structure called s1. Sounds complicated, but it's actually quite straightforward. Same thing as int square a, int x hamara function jo tha, wo x ko square karke ek int wapas kar deta tha. We could use it in an ass assignment statement. We've done the same with the structure. So you can repeatedly, if you have made an array, you repeatedly get data, call it, and populate it. Aapne agar likhna hai, structure pass kar de function ko, write it to a file. And remember, I'll recap again, when you're passing a structure to a function, it is by default call by value. A value of that structure is passed, the original structure is not passed. If you want to send the structure itself so that if the function make any changes, they are available in the calling program, you have to send the address of the structure. इन एड्रेस टेकिंग द एड्रेसर इज़ अ परफेक्टली वैलिड ऑपरेशन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट रिलेटेड बट स्लाइटली डिफरेंट एंड दिस इज फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस एक और हमारे पास चीज़ होती है उसको हम यूनियन कहते हैं यू एन आई ओ एन यूनियन जो है इसका कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस के अंदर ये है कि अगर आपके पास मेमरी में एक लोकेशन है उसमें कुछ लिखा हुआ है क्या उसको सिर्फ़ एक तरीके से ही हम हाथ लगा सकते हैं क्या और भी कोई तरीके हैं कि उसको डिफरेंटली एक्सेस किया जा सके डिपेंडिंग ऑन नीड परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हम अभी तक इंट और चार को इन अ वे इंटरचेंजबली इस्तेमाल करते आए हैं हमने कई प्रोग्राम्स किए या एग्ज़ाम्पल्स किए आपको एक्सरसाइज भी दी जहाँ पे एक कैरेक्टर जो है इट कुड हैव बीन स्टोर्ड इनसाइड एन इंटीजर वेरिएबल इनफैक्ट आई गेव यू अ प्रोग्राम टू राइट लिटल लूप टू प्रिंट द एस की टेबल वो आपको कहा था कि आप करें होपफुली आप कर चुके होंगे और एस की टेबल के अंदर हमने इंटेजर के ऊपर लूप लगाई थी और फिर चार को इक्वल कर दिया था इंटेजर को और कहा कि जी सी आउट के साथ देखें क्या होता है जी फाउंड के जी एक नंबर आता है और एक कैरेक्टर आता है सो दे वॉज इंटरचेंजबिलिटी अगर इंटरचेंजबिलिटी है तो क्या ये हो सकता है कि हम एक ही मेमरी लोकेशन में कोई चीज़ लिखते हैं जिसको कभी हम एज अ चार पढ़ें और कभी हम एज एन इंट पढ़ें ऐसे काम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूनियन का यूनियन का सिंटैक्स जो है वो अब आप देख रहे होंगे यूनियन का मतलब यूनियन लिखते हैं फिर उसका नाम होता है वेरी सिमिलर टू स्ट्रक्ट ब्रेसिस के अंदर इसके अंदर फर्क ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर डेटा मेंबर्स ये भी है और ये भी है और ये भी है यूनियन के अंदर समझ लें कि जी मेमोरी लोकेशन एक ही है और उसके अंदर जो पहला डेटा मेम्बर है दैट इज़ वन नेम फॉर दैट मेमोरी द सेकंड डेटा मेम्बर जो है इट इज़ अनदर नेम फॉर द सेम लोकेशन एंड सो ऑन अब अगर हमने इंट आई और चार सी कर दिया यूनियन के अंदर तो क्वेश्चन ये है कि जी मेमोरी लोकेशन कितनी रिजर्व होगी इस यूनियन के लिए द आंसर इज़ जो आपका सबसे बड़ा यूनियन का मेम्बर है उतनी जगह एलोकेट की जाएगी मेमोरी के अंदर सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर चार जो है वो एक बाइट में आता है और इंट जो है वो चार बाइट्स में आता है पुटिंग एन इंट एंड चार इनटू वन यूनियन मीन्स दैट द यूनियन विल ऑक्यूपाई फोर बाइट्स इन मेमरी ये एक एग्जाम्पल देख लें कि जी आई और डी ठीक है ना सो वीज कॉल्ड इंटीजर और डबल अब डबल ने ऑब्वियसली इंटेजर से कहीं ज़्यादा जगह लेनी है हमने एक यूनियन डिफाइन किया आई और डी और उसके अंदर कह दिया कि जी इंट आई वैल इंटीजर वैल्यू एंड डबल डी वैल डबल वैल्यू ये हमने उसके दो मेम्बर्स बना दिए ये यूनियन के हैं ये यूनियन समझ लें एक ही मेमोरी को ए, रेफर कर रहा है जगह डबल जितनी ऑक्यूपाई होगी अब इसको पढ़ने या लिखने का तरीका वही डॉट ऑपरेटर जो हम स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल करते आए हैं हम जो भी यूनियन का नाम दिया है डिक्लेयर किया उसका एक वेरिएबल सो so हम कहते हैं वेरिएबल डॉट आई वैल ठीक है ना से कि हमने एक यूनियन डिक्लेयर किया हुआ है उसको हमने कह दिया यू वन सो से यू वन डॉट आई वैल और फिर उसको असाइन कर दें इक्वल टू टेन अब अगर आप सी आउट के साथ कहेंगे यू वन डॉट आई यू विल सी टेन लेकिन अगर आप कहेंगे सी आउट मतलब ये हमारा यू वन यूनियन है यू वन डॉट डी वेल वी रियली डोंट नो समथिंग स्ट्रेंज अकर्स ओके वी सी समथिंग टोटली डिफरेंट वजह उसकी ये है कि कहीं पे उन आठ बाइट्स में जो कि डबल के लिए इस्तेमाल हुई थी कहीं पे करके कोने में इंट लिखा गया वो इंट तो हमने जब डिस्प्ले किया तो सही हो गया लेकिन अगर हमने कहा कि ये आठ बाइट्स को एज अ डबल डिस्प्ले करो तो वो आपको इंट की वैल्यू नज़र नहीं आएगी कुछ और ही नज़र आएगा एंड द सेम अप्लाइज अगर हम कहते हैं यू वन डॉट डी वैल इक्ल वन हंड्रेड पॉइंट जीरो ना हंड्रेड इट्सल्फ तो इतनी छोटी वैल्यू है कि इंट में पूरी आ जाती है लेकिन वो लिखा कहाँ गया है इज्जली रिटन इन सच अ प्लेस वेयर इट इज़ नॉट इंटरप्रेटेड एज एन इंटेजर प्रॉपरली सो अगर आप यू वन डॉट डी वैल इक्वल टू हंड्रेड पॉइंट ज़ीरो एक लाइन पर लिखें और दूसरी लाइन पर कहें सी आउट

थॉट एक्सपेरिमेंट आप करें फिजिकली तो हमें पता है कि जी चार खाने चार बाइट्स हमारे सामने पड़ी हुई हैं हम चाहें तो पहली बाइट में एक चार लिख दें, दूसरी में दूसरा तीसरी में तीसरा चौथी में चौथा चार चार हम लिख सकते हैं बट नॉट थ्रू दिस यूनियन कॉन्सेप्ट किसी और तरीके से वो चारों बाइट्स मिल के एक इंटीजर बनता है और इंटीजर की वैल्यू भी हम देख सकते हैं अगर हम चाहें कि जी एक इंटीजर बनाना है इन चार कैरेक्टर्स के साथ तो कैसे बनाएंगे देखें अगर मैं चाहता हूं कि एक नंबर लिखना है से वन टू थ्री और फिर एक और नंबर लिखना है जो कि आ जाए फोर फाइव सिक्स उसके साथ लगा हुआ सो आई रीड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यू विल रियलाइज दैट यू विल हैव को पहले आप शिफ्ट करेंगे बाय थ्री डेसिमल प्लेसेस और फिर यहाँ पे फोर फाइव सिक्स लिखेंगे शिफ्ट कैसे करते हैं नंबर्स को Simple number systems, 1, 2, 3 multiplied by 1000 shifts its 3 places to the left and adds 3 zeros. So, pe first you multiply it by 1000 and then add 4, 5, 6. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is the resulting number. It is not a character string, it is a number. Now, this concept ko agar apply to characters. We that character ek mein pura 1 से कैरेक्टर ए ले लिया आपको एस की टेबल से उसकी वैल्यू पता है आप वो असाइन कर देते हैं इंट को इंट में चार बाइट्स हैं उनके ऑब्वियसली राइट मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के अंदर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी अब इसको शिफ्ट करना है ओवर बाय वन बाइट किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो ये एक बाइट लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा बाइट में कितनी बिट्स आठ टू टू द पावर एट टू फिफ्टी सिक्स तो आप बाइनरी एरिथमेटिक हो रही है वो हजार से हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे जस्ट मल्टीप्लाई बाई टू फिफ्टी सिक्स दैट द होल कैरेक्टर सीक्वेंसेंटेशन थी वो इंटीजर की सेकेंड बाइट में पहुँच चुकी है यू माइट वॉन्ट टू ट्राई दिस आउट डू इट फोर टाइम्स आप एक कैरेक्टर लेके उसको इंट को असाइन कर दें सो लेट्स सिंगल कोर्ट्स के अंदर आप ए लिख दें छोटा ए इंट एक्स और कहें x इक्वल स्मॉल ए विदिन सिंगल कोर्ट x की वैल्यू प्रिंट करें यू विल फाइंड अ वैल्यू दैट विल बी द की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर a मल्टीप्लाइड बाई 256 फिफ्टी सिक्स ओके इट विल शिफ्ट इट एट बिट्स टू द लेफ्ट ओके प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर कीप डूइंग दैट टिल यू फाइंड आउट कि जी ये कहाँ कहाँ स्लाइड करके क्या नंबर हो जाता है ऑन द अदर हैंड पहली दफ़ा मल्टीप्लाई करें 256 से वो शिफ्ट हो गया उसमें एक और कैरेक्टर ऐड कर दें लेट्स सी इन दिस केस द कैरेक्टर बी सो व्हाट विल विल हैपन इज यू गेट अ ब्रांड न्यू इंटीजर उसको प्रिंट करें अपने तौर पे वेरीफाई करें कि जो एस की टेबल में आपके पास वैल्यूज़ आ रही थी वही वैल्यूज़ आपको नज़र आनी चाहिए कि यूँ हमने शिफ्ट किया है यहाँ पर यह लिख दिया नया इंटीजर ये होगा इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड वॉट दीज थिंग्स डू ये मैं एग्जाम्पल सिर्फ इस वास्ते दे रहा था कि अब अगर आप चाहें तो आप एक यूनियन बना सकते हैं जिसमें चार कैरेक्टर्स हों ऊपर और एक इंटीजर हो नीचे सो दोज फोर कैरेक्टर्स विल ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन इन मेमरी एज इंटीजर विल दिस इज अमिंग ऑफ कोर्स दैट द चार ऑक्यूपाइज वन बाइट एंड एन इंटीजर ऑक्यूपाइज फोर बाइट्स इफ नॉट यू दैट If you do that, now you can pick up, you can write four characters into memory. Pick up the integer that is the resultant because you're just looking at the same position from another direction. Or integer ko take manipulate jo ke sat kaam karte karke, aap char characters ko separate So it is reuse of the same memory location, maybe with different data types. Ek trivial sa. एग्ज़ाम्पल ये है कि जी सिंपली टू नेम्स अगर देने हैं एक ही लोकेशन को और डेटा टाइप एक ही रहेगी सो यू कैन से इंट हाइट एंड इंट लेंथ दोनों के मेजर भी एक है वहाँ नंबर ही लिखना है कहीं पे हम उसको एज अ हाइट ट्रीट कर रहे हैं किसी को कहीं पे हम उसको एज अ लेंथ ट्रीट कर रहे हैं ऑब्वियसली बैड एग्जाम्पल बिकॉज इट लीड टू वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग कोड डोंट डू देट यूनियंस की हमने डिस्कशन की है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस पर्सनली स्पीकिंग आई हैव नवर हैड टू यूज़ यूनियंस बट दे आर यूजफुल वेन यू गेट इन टू इट सी बिटसी प्रोग्रामिंग और निटी ग्रिटी डिटेल्स के अंदर जाके कोई सुपर एफिशेंट काम करने की कोशिश कर रहे हैं जब हम बिट मनिपलेन की बात करेंगे वहाँ पर भी आप देखेंगे कि यूनियंस का इस्तेमाल हो सकता है इट इज़ क्वट यूजफुल आज का लेक्चर जो है वो रहा है स्ट्रक्चर्स और यूनियस के बारे में दे आर रेलिटिवलीस यूज पार्ट्स Of the C and C language, but structures at least to me have been very, very useful because they allow us a convenient way of grouping data about a single entity. Our example a student. You can think of a car, you can think of any, I hate to use the word because it's too early, any object. Any object has 5-10 properties, we manipulate, which one structure हम कहें ये वो चीज़ है इस स्ट्रक्चर की इस प्रॉपर्टी को यूं कर दो यूं कर दो यूं कर दो सो इट्स अ यूजफुल कॉन्सेप्ट एंड वी विल एक्सपैंड ऑन दिस होपफुली आफ्टर द मिड टर्म्स यू विल हैव सम इंटरेस्टिंग स्टफ कमिंग अप टिल देन इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़